आज हम खजूर ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाएंगे। इसमें हम बिल्कुल चीनी का यूज़ नहीं करेंगे। जो लोग चीनी को अवॉइड करते हैं वो भी इसको खा सकते हैं। इन लड्डुओं को आप व्रत के लिए भी बना सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सेफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखते हैं कि खजूर के ड्राई फ्रूट लड्डू कैसे बनाते हैं। खजूर के लड्डू बनाने के लिए मैंने 2 कप खजूर लिए हैं। अब हम इनके बीज निकाल कर इनको टुकड़ों में काट लेंगे। हम खजूर लेंगे और इसका इस तरह से हम बीज निकाल देंगे और फिर इनको टुकड़ों में काट लेंगे। इसी तरह से हम सारे खजूर के बीज निकाल के तैयार करेंगे। मैंने सारे खजूर के बीज निकाल लिए हैं और इनको काट लिया है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, अखरोट लिया है, बादाम लिए है, काजू लिए है और पिस्ता लिए हैं। अखरोट, काजू और बादाम को मैंने 1/2 कप लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने पिस्ता लिया है। इन सभी मेवा को हम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट को मैंने टुकड़ों में काट लिया है। अब हम खजूर के लड्डू बनाएंगे। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में हम 1/4 कप देसी घी डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो जाए। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें बादाम डालेंगे, क्योंकि बादाम भूनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम सबसे पहले बादाम को डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। अब हम पहले बादाम को कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें काजू भी डाल देंगे, इसको भी कुछ सेकंड के लिए हम भूनेंगे। अब हम इसमें अखरोट भी डाल देंगे। इन सभी को हम भूनेंगे। हमारी सारी मेवा गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे, इसी में हम 2 टेबल स्पून पॉपी सीड या खसखस लेंगे और इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम का हम लो ही रखेंगे। खसखस हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें खजूर को डाल देंगे जो हमने काट के रखे थे, और इसमें हम 1/2 कप गोले का बुरादा डालेंगे। और पिस्ता भी डाल देंगे जो हमने काट के तैयार करें। अब हम इन सभी को गैस की लो फ्लेम पर भूनेंगे। हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मेवा को डाल देंगे जो हमने भून के रखी हुई है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें चीनी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि खजूर खुद ही मीठे होते हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर थोड़ा ठंडा करके लड्डू बांधेंगे। लड्डुओं का मिक्सचर हल्का ठंडा हो गया है। अब हम हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम स्मॉल पोर्शन लेके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। आप छोटे या बड़े किसी भी साइज के लड्डू बना सकते हैं। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से देखिए, हाथों की सहायता से हम लड्डू बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे मिक्सचर के लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। हमारे खजूर ड्राई फ्रूट लड्डू बनके तैयार हैं। आप इन्हें फ्रिज में स्टोर करके कई दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।